बिहार के गया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन बुद्धम शरणम गच्छामि की जयघोष के साथ बौद्ध धर्मावलंबियों और अनुनायियों के बीच संपन्न हुआ। बुद्ध की तपोभूमि बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्राध्यक्ष का बड़ा सम्मेलन अब बुद्ध भूमि पर संभव हो सकेगा। तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बनी अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की सुविधा है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर में अब देश सहित विभिन्न देशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष के स्तर की बैठक इस कन्वेंशन सेंटर में हो सकेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस कन्वेंशन सेंटर में एक विशाल डाइनिंग स्पेस भी उपलब्ध है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इस कन्वेंशन सेंटर के बन जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोधगया में मीटिंग सेमिनार हो सकेंगे। नीतीश कुमार के अलावा बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, अशोक चौधरी, गोपाल नारायण सिंह सहित कई लोग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। गया से सहयोगी मनोज के साथ DNA न्यूज के लिए राजू राज की रिपोर्ट। DNA न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।